हेलो साथियों, गुड आफ्टरनून। मैं अतुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो बच्चे एग्जाम देने जाने वाले हैं, यानी कि अगर बात करें कि जो शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार का एक नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा होगा कि जो कि सर्कुलेट हो रहा है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें कि 30,000 के लगभग जो वैकेंसीज हैं ये डिक्लेयर होने वाली हैं। और ये 23 अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं, अगर हम बात करें तो जो आपके शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है इसमें अलग जो 23 सब्जेक्ट जो अलग अलग कह सकते हैं सब्जेक्ट हैं, इनकी भर्ती परीक्षा 2023 अप्रैल में कराने की बात कही है। इसके बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें क्या लिखा गया है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक सेकंड में टाइम दीजिएगा, है ना, बस एक मिनट। यहाँ पर जो आपके पास दोनों नोटिफिकेशन दिखाऊंगा जो कि न्यूज़पेपर में भी है और साथ में पेपर के अलावा इसमें आपका, ठीक है, इसमें आपका कहां पर आ जाएगा, तो एक आपका आ जाएगा सरकारी नोटिफिकेशन जो कि दिया गया है। दो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपके सामने है, एक तो न्यूज़पेपर का जो आपके पास यहाँ पे कटिंग है और ये मध्य प्रदेश सरकार का, ठीक है, ये मध्य प्रदेश सरकार का नोटिफिकेशन है जिसमें मध्य प्रदेश संचालनालय जो कि शिक्षा बोर्ड भोपाल है इनके माध्यम से, देखिए यहाँ पर लिखा है उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पद के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है इसमें 30,000 के लगभग, कितनी है, 30,000, ध्यान रखेंगे 30,000 वैकेंसीज को डिक्लेयर करने की बात कही है। और इन्होंने पीईबी को, किसको कहा है, पीईबी को कहा है कि आप इसका जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन लाइए, क्या लाइए, नोटिफिकेशन लाइए और इस पर एग्जाम की तारीख को डिसाइड करिए कि कब एग्जाम करवाना है। तो आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं कि भोपाल, ये आपका यहां पर लिखा है 20 जून को, ठीक, सॉरी ये क्या है, यहाँ पे डेट लिखे कुछ, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे मिसप्रिंट साथ लिख रहा है, क्या है डेट, ये डेट पता नहीं समझ में आ रहा है, शायद ये 20 जुलाई होना चाहिए, ठीक है, लेकिन खैर पुरानी डेट इसमें लगी है, इस डेट पर मत जाइएगा। लेकिन ये जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो ये दिया गया है इसमें बच्चों आप लोगों का जो ये पेपर होने वाला है, ठीक है, ये कब होगा, तो अगले साल जुलाई अप्रैल 2023 में, ठीक है, अप्रैल 2023 में इसमें ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसे कहा कि कैलेंडर में जो एमपी के व्यापम के आने वाला जो एग्जाम का कैलेंडर है इसमें इसको ऐड किया जाए। तो आप सभी बच्चे जितने यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, आप इस नोटिस जो क्लास की लिंक है इसे अपने जो भी आपने पड़ोस में है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, हर जगह पे इसको शेयर करके उनको बता दीजिए कि जो अगली आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा है ये अप्रैल 2023 में आने वाली है और यहाँ पर टोटल 23 सब्जेक्ट यानी कि 23 विषय को लेकर के इसमें एग्जाम करवाया जाएगा। और ये किस स्तर का होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक शाला जो भर्ती परीक्षा है इसका आयोजन किया जाना है। तो 2023 के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत जल्दी एसआई और पटवारी के लिए भी वैकेंसीज डिक्लेयर होने वाली हैं। ये दो जो भर्ती है ना, इनका भी बहुत जल्दी इसी तरीके से नोटिफिकेशन आएगा। तो आप लोग बिल्कुल मेंटली तैयार रहिएगा कि आपका एसआई और पटवारी भर्ती परीक्षा ये भी बहुत जल्दी डिक्लेयर होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और आपके पास जितने भी यहाँ पर जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, आपके आसपास जो भी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो टीचर के बनने की अपनी एक इच्छा रखते हैं, जिन्होंने बीएड कर रखा होगा, डीएड कर रखा होगा, उनको ये इंफॉर्मेशन दे दीजिए। यहां पे जो न्यूज़पेपर में देखो क्या लिखा है कि 4 साल बाद, क्या 4 साल बाद, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें ये दिया गया है कि भाई 4 साल के बाद ये भर्ती परीक्षा होने वाली है। और इसमें देखो जो आपका दिया गया है ना, इसमें दो पॉइंट यहां पे महत्वपूर्ण लिखे गए हैं। एक तो यहां पर क्या लिखा गया है कि 7 लाख, इसमें करीब तकरीबन इन्होंने 7 लाख उम्मीदवार की बात कही है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बच्चों के, 16 विषय किसके होंगे, उच्च माध्यमिक शिक्षा के 16 विषय हैं। और इसमें जो लिखा है 7 विषय जो है ना, ये आपके किसके होंगे, माध्यमिक शिक्षक के होंगे। और ये अप्रैल में परीक्षा होगी, कब होगी, अप्रैल 2023 में परीक्षा होगी जिसमें कि 30,000 पद हैं। इसमें जो मध्य, ठीक है, यहां पर लिखा है क्या, माध्यमिक शिक्षा के, उच्च माध्यमिक शिक्षा के 20,000 पद हैं। और यहां पर आप 10,000 जो पद है, 10,500 के लगभग जो पद होंगे ये किसके लिए होंगे, जनजाति कार्य विभाग द्वारा ये आपके माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए डिक्लेयर किए जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी घोषणा मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए स्पेशली है जो शिक्षक बनना चाहते हैं, ठीक है। तो नो डाउट मैं भी एक शिक्षक हूं तो मैं शिक्षक का मतलब समझ सकता हूं कि शिक्षक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग अपने जो दोस्त लोग हैं जो आपके साथ आसपास रहते हैं, अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप के माध्यम से इस लिंक को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो 30,000 वैकेंसीज आपकी डिक्लेयर होने वाली है। तो चलिए फिर यही इंफॉर्मेशन आप लोगों तक देनी थी, पहुंचानी थी और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे संतुष्ट होंगे और आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो बस लास्ट में यही कहूंगा कि एसआई और कांस्ट जो आपकी पटवारी है ना, इसकी भी बहुत जल्दी आने
आने वाली है, तो आप लोग मेंटली तौर पर तैयार रहिएगा। धन्यवाद आप सभी का।